देखो एक ना एक स्पेसिफिक सवाल, अक्सर ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने इंटरनेट पे भी पूछा था। एक स्पेसिफिक सा सवाल होता है कि हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ फ्रॉम लव लस्ट ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस। तो इसी तरह से कई लोग सवाल करते हैं, कई से लोगों से सवाल पूछते हैं। मेरा एक जेन्युइन सा आपसे ये कहना है, ये बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। ये रावण 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 से कहा गया था कि यू हैव टू कंट्रोल योर ग्रीड एंगर लस्ट लव वाइल इफ यू वॉन्ट अ दीक्षा। मतलब अपनी 10 विद्याओं को लेने के प्राप्त करने के लिए वो शिवजी के पास गया, तो शिवजी ने उससे कहा कि तुम बलि के पास जाओ, जो राजा बलि थे, जो पाताल लोक के राजा है, पाताल लोक के राजा के पास तुम जाओ, वो तुम्हें बताएंगे कि करना क्या है। तो बलि ने उस पर कहा कि रावण तुम्हें जो है ये 200 विद्याएं तभी मिलेगी जब तुम अपने लव लस्ट एंगर पे क्रोध पे काबू पा लोगे। इस पे रावण ने कहा, बड़ा सटीक आंसर है, ये आंसर सुन लो आप, बड़ा सटीक आंसर है। रावण ने कहा कि मैं लस्ट लव का त्याग नहीं कर सकता, यदि मैं अपनी इच्छाओं को मारता हूँ तो फिर मैं लोगों के लिए काम कैसे करूँगा। लोगों के लिए मुझे काम करना है, उसके लिए मेरी अंदर इच्छा होना तो जरूरी है। मैं अपने अंदर के वैमनस्य को कैसे मारूंगा, मैं अपने अंदर में रहने वाले प्रेम को कैसे खत्म करूँ, मुझे लोगों के लिए जीना है। रावण कई ऐसी चीज़ें धरती पर लाना चाहता था, कई ऐसी चीज़ें करना चाहता था जो उसके ऑडियंस के लिए, जो जो उसके जनता में रहने वाली जितनी उसकी जनता थी उसके लिए वो करना चाहता था। अब आप रावण तो है नहीं, लेकिन आप नॉर्मल एज अ स्टूडेंट आप जी रहे हो। तो सवाल आपका यही है कि लस्ट अपोजिट जेंडर के लिए आपका जो अट्रैक्शन है उसे आप कैसे मिटाएं, आप लस्ट कैसे मिटाएं, आप लव को कैसे करें। द प्रॉब्लम हियर इज यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट, बट यू डोंट हैव टू कंट्रोल इट, यू हैव टू आस्क इट। सवाल पूछो। सपोज यू हैव अ लस्ट, यू हैव अ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इज लाइक कि कभी किसी दोस्त ने आपसे कह दिया कि दारू पीने चलते हैं और आप जा रहे हो, ये डिस्ट्रैक्शन है, इसे कंट्रोल कैसे करेंगे। आप इस बात को समझो, यदि मैं आपसे कहूँ कि दारू पीना बुरा है तो आप उसे डेफिनेटली पियोगे, बट द मोमेंट यू विल रियलाइज कि दारू पीना शरीर के लिए अच्छा नहीं है, है ना, तो शायद आप उसे ना पियो। फिर वो आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से परस्यू कर रहे हो। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आपको इस समय पे अपने आप को एक नैतिक मूल्य वाला सवाल पूछना पड़ेगा जो आपके मोरल्स में भी आएगा और जो आपके एक्चुअल नीड पे भी आएगा। यूजुअली मोरल वाला जो सवाल होता है उसमें हम हार जाते हैं जब हमें डिस्ट्रैक्शन आता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी कैन जस्टिफाई एवरीथिंग एज वी वॉन्ट। लेकिन जब सवाल आपके उन चीजों पे आएगा, सही और गलत से हटकर, अच्छा और बुरा से हटकर, जब सवाल आएगा क्या ये फायदेमंद है या ये फायदेमंद नहीं है, सवाल ये करो। यदि वो आपके फायदे का है तो उसे जरूर करो, यदि वो आपके फायदे का नहीं है उसे छोड़ दो। आपके मेन टारगेट में, आपका मेन टारगेट इस समय पे क्या है वो आपको वो दिखना चाहिए। चलो ये बात होगी डिस्ट्रैक्शन की। नाउ इफ यू आर सेइंग अबाउट लस्ट एंड लव, वो आपके वैसे भी कंट्रोल में नहीं है, व्हाई यू वांट टू कंट्रोल इट। आपको यदि ये लग रहा होगा कि मैं एज ए टीचर आप मुझसे सवाल कर रहे हो, तो आपको ये लग रहा होगा कि भैया ये टीचर बन चुका है तो ये इसे ऐसे कुछ चीज़ें होती नहीं होंगी, तो मैं ये दिखावा कभी नहीं करूंगा कि मुझे ऐसा कुछ होता है नहीं। मैं भी किसी के मैसेज के लिए रुका होता हूँ, मैं भी आतुर होता हूँ कि भैया एक कमेंट उसका भी आ जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हम लोग, है ना। इवन वी हैव लस्ट, इवन आई हैव लस्ट, आई हैव अट्रैक्शन, बट आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, है ना। मुझे जब सामने वाले से एक्सपेक्टेशन होगी तब तकलीफें होगी। आई हैव लस्ट, मुझे अच्छा लगता है वो मैसेज करे, वो देखे, वो करे, कोई भी हो, जो भी हो, कभी किसी ज़माने में होगा, अब होगा, जो भी होगा, मैं थोड़ी आपको बताने वाला हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब ये सवाल मुझसे कर रहे हो ना कि सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहे, उस पर कंट्रोल कैसे करें, आपको ये समझ रहा है कि डिस्ट्रैक्शन क्या है, लस्ट क्या है, और आप भटक का रहे हो। इसका मतलब ही ये है कि 90% जगहों पे आपको समझ चुका है कि आपको रुकना कहाँ है, समझ गया। अब आपको यहां से आगे उसे सिर्फ कंट्रोल करना सीखना है।
गौतम बुद्ध ने जो चार नोबल सत्य बताए, उन चार नोबल सत्य में से पहला सत्य ये था कि देर इज अ सफरिंग, यू आर सफरिंग बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस में है। आप मुझे एक बात बताओ, प्यार क्या है? सामने वाला बंदा या बंदी वो करे जो उसे करना है, या वो करे जो मैं चाहूँ उससे करना होगा, ये तो एक्सपेक्टेशन हुई। दिस इज वॉट अ ग्रीडी लस्ट इज, देयर कैन बी अ लस्ट बट यू आर हैप्पी वॉचिंग देम वॉट दे वॉन्ट टू डू। आपको उसे कंट्रोल नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू आस्क सम सिंपल बेसिक क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। आपने उस थॉट से दूर मत भागो, जब वो थॉट आपके दिमाग में आए तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, पूछो उससे, अच्छा मैं UPSC क्लियर नहीं हूँ, ओके यदि कल को ये लड़की मेरी जिंदगी में आती है तो क्या हमारा कोई भविष्य होगा, क्या मैं इस लेवल पर सेटल हूँ कि यदि ये मेरी जिंदगी में आए तो मैं सस्टेन कर पाऊंगा। आप ही को आपका जवाब मिल जाएगा। तो आपको आपका जब जवाब मिलेगा तो उस जवाब को आपको भागना नहीं है, उस जवाब को आपको खुद ही उसका जवाब देना है। उस समय पे रिक्वायरमेंट जो होगी उसे आपको फुलफिल करना है। यू शुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम लव, रादर यू शुड यूज इट एज अ पोटेंट हार्मोन। आपको जब ये जवाब मिला कि अब मेरे पास UPSC का जॉब नहीं है, या फिर मेरे पास जॉब नहीं है, मैं सेटल नहीं हूं, तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी, सो एट दैट टाइम फिर आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है। सो यूज दैट लव एज अ हार्मोन विच कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। लव इज अ वेरी डेंजरस हार्मोन। जब ये लोग कहते हैं ना कि मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, दुनिया पलटाऊंगा, ये सच्ची बात होती है, बिकॉज आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि 15 किलो का सिलेंडर उठाओ, आप नहीं उठा पाओगे, लेकिन आप मैं अगर कहूँ कि 50 किलो की लड़की को उठाओ, आप उठा लोगे, बिकॉज ये प्यार है उस समय पे, है ना, आपका दिमाग उस समय पे उस तरह से चलता है। तो आपको उसे कंट्रोल नहीं करना है, बस आपको उसकी दिशा देनी है। देखो यार, मैं सन्यासी वाली बातें आपसे कभी नहीं करूँगा कि ये सब छोड़ दो, बातें मत करो, मैं कोई 50 साल पुराने वाला टीचर भी नहीं हूँ उस समय का। आज के ज़माने में हमारी लड़के लड़कियों की प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है, हम साथ में बैठते हैं, साथ में पढ़ते हैं, उस समय पर ऐसा नहीं हुआ करता था, आज होता है, तो इसके चांसेस है कि ये चीज़ें होंगी। हमें समय के साथ अपनी चीज़ों को और काम करने के तरीकों को बस बदलना पड़ेगा, बस सवाल सिर्फ इतना है, ये समझा आपको। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ आप सभी से सिर्फ इतना है कि आप उन चीज़ों को सवाल पूछो जब वो आए, क्या ये फायदेमंद है, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये होगा, तो उसे भागो मत, उस थॉट को आप पकड़ने की कोशिश करो, वो थॉट आपको बहका देगा, बस कुछ दिन देर के लिए स्टेबल रखो। लस्ट आपके मन में है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, आप सन्यासी तो नहीं हो। यदि आप कह रहे हो कि मुझे मोह माया नहीं है, भागो यहाँ से, शादी क्यों कर रहे हो फिर, अरेंज करो, कुछ भी करो, कर क्यों रहे हो, पैसे क्यों कमा रहे हो, जिंदगी क्यों जी रहे हो। आप यदि सांसारिक जीवन में हो तो इन सभी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बस वो कंट्रोल में हो। सवाल पूछो कितने तक, आपने जब ये सवाल किया इसका मतलब ये 90% सवाल का जवाब आपको खुद ही खुद से मिल चुका है, समझ में आ रहा है आपको। अब आपको सिर्फ इतना करना है, आपको रखना है लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, और आपको भी पता है सामने वाला बंदा या बंदी अपनी ज़िंदगी में है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है उसे करो, और जब वो हो जाए तो उससे प्यार से जाके पूछ लो, समझ में आ रहा है, इतना ही है। मेरे ज़िंदगी में यदि कोई है तो मैं तो जाके पूछूंगा ना भाई, मैं कोई बड़ा बहुत बड़ा ये नहीं हूँ, आप 24 साल के टीचर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं कोई आपके सामने ये भी कोई ऐसी इमेज बना के नहीं चलूंगा तो मैं एज अ टीचर हूँ तो मैं कहूँगा कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, मैं ये कहूँगा कंट्रोल में करो। आपको ज़िंदगी में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप यदि UPSC की पढ़ाई करते हुए उम्र के 30 साल तक पहुँच जाओ, और 30 साल के बाद पहुँचने के बाद यदि आप पीछे देख के मुड़ के देखो तो आपको लगेगा आपने ज़िंदगी बसर की ही नहीं, आपने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। आपको चीज़ों को मेंटली हैंडल करते आना चाहिए, इमोशनली आपको हैंडल करते आना चाहिए। देखो बहुत लोग गिरेंगे, मैं भी गिरा, लेकिन गिर के संभलना ही तो ज़िंदगी है, और यही अपने को करना है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, समझ में आ रहा है। यू हैव लव फॉर समवन, स्टडी हार्ड। इफ़ यू डोंट हैव लव फॉर समवन, देन स्टडी हार्डर। इफ़ यू हैव लव फॉर समवन, स्टडी 200 टाइम्स हार्डर, बिकॉज आपको उस समय पर लगना चाहिए कि मैं अगर अपना प्यार मुकम्मल करना चाहता हूँ तो मेरे ज़िंदगी में कुछ साधन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिक वो ज़रूरतें हैं, उसे पूरा करो, आगे बढ़ो, ठीक है।